नमस्कार दोस्तों, हम हाजिर हैं एक और नई जानकारियों को लेकर के। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन फूल के बारे में। जी हाँ, अक्सर आपने कहीं ना कहीं इसे किसी के घर पर ज़रूर देखा होगा। लोग इसे लगाते हैं ताकि घर की सुंदरता बढ़ जाए। दोस्तों इसका नाम जटाधारी लाल मुर्गा मखमली के नाम से लोग जानते हैं। अंग्रेजी में इसे कॉक्स कॉम्ब कहते हैं। अगर आपके आसपास इसका कोई और नाम है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों इसके फूल मुर्गा के केस जैसा लाल होता है, उसके कारण इसे लाल मुर्गा कहा जाता है। दोस्तों इसके पत्तों को लोग पालक की तरह साग बना करके भी खाते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके पत्ते में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों एक बहुत ही कॉमन घास है, हर किसी के गांव में मिल ही जाता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसके इस्तेमाल से आप बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, जैसा कि सर दर्द। अगर आपका सर दर्द बहुत तेज होता है तो इसके पत्तों को पीस लें। सबसे पहले इसके पत्तों को तोड़ लें, साफ पानी से धो लें और पीस लें। पीसने के बाद सर पर लेप लगाएं, देखेंगे सर दर्द में आराम मिलता है। दोस्तों अगर नाक से खून बहता है यानी कि नकसीर की समस्या रहती है तो इसके पत्तों के रस को एक एक बूंद नाक में डालने से नकसीर में तुरंत आराम मिलता है। इसके लिए आप इसके पत्तों को धो लें, इसके रस को निकाल करके नाक में डालते हैं तो नकसीर में आराम मिलता है। अगर लिकोरिया की समस्या है, महिलाओं में यह समस्या ज़्यादा होता है, तो इसके बीजों का चूर्ण बनाकर सेवन करने से लाभ होता है। इसके बीजों को सुखा लें धूप में, उसके बाद पीस लें और इसका सेवन करने से लिकोरिया में लाभ होता है। अगर फोड़ा फुंसी की समस्या है, बहुत सारे लोगों को पीठ के ऊपर फोड़ा फुंसी हो जाता है, तो इसके पत्तों को पीस कर फोड़ा पर लगाने से फोड़ा में आराम मिलता है। फुंसी भी हो जाए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे लगी हमारी आज की यह जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करें। हम आपसे जल्द ही मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।